नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर में वार्षिक खेल दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। वार्षिक खेल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बीपी सिंह प्राचार्य, केवी मुजफ्फरनगर और पूनम राजपूत द्वारा हिस्सा लिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीपी सिंह प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर द्वारा विद्यालय ध्वज फहराकर किया गया। विद्यालय कप्तान कुमारी वैष्णवी के द्वारा सभी प्रतिभागियों को खेल भावना से खेलने की शपथ दिलाएगी। बीपी सिंह मुख्य अतिथि एवं प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर द्वारा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए खेल को खेल भावना से खेलने का संदेश देते हुए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रिले दौड़, लंबी कूद आदि खेलों में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्राथमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने भी 100 मीटर दौड़, नींबू चम्मच दौड़, मेंढक दौड़, गुब्बारा दौड़, बोरा दौड़, रस्सी कूद आदि खेलों में उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा विजेता प्रतिभागियों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर उत्साहवर्धन किया गया। दो साल से कर रहे थे इसकी तैयारी, यहाँ रीजनल एग्जामिनेशन के जब क्या उसके लिए तैयारी करते थे। तो आगे क्या सपना है, एथलेटिक्स में जाना है या जी एथलेटिक्स में जाना है जी। ओलंपिक में क्या सपना है जी, ओलंपिक सपना है गोल्ड मेडल लाना है जी, देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। यस सर। स्कूल में किस तरह खेल कराने से कुछ लाभ होता जी, किस तरह लाभ होता है? बस अपनी परफॉर्मेंस पता चलती है क्या चल रहा है। ये हमारा वार्षिक खेल दिवस मनाया जा रहा है। आज वर्ष में एक बार खेल दिवस मनाने का नियम है हमारे यहाँ। आज ये डे लॉन्ग है, पूरे दिन चलेगा और इसमें सभी एथलीट्स और दूसरे इवेंट्स में बच्चे प्रतिभाग करेंगे। इस तरह की प्रतिभा बढ़ती है सब बच्चों के खेल कूद में असल में से। अब ये तो खेल कूद में आप जानते ही हैं कि न केवल उनकी खेल संबंधी प्रतिभा बढ़ती है, साथ में उनमें गेम्स स्पिरिट, स्पोर्ट्स स्पिरिट का विकास होता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है, ये नहीं कि कोई दौड़ में ही फर्स्ट आ गया, मेन है कि उसमें एक लड़ने की क्षमता और लड़ते रहने की और जीतने की इच्छा का विकास होता है। बच्चों को खेलना है और उनके अंदर ये प्रवृत्ति जन्म लेती है, वो पढ़ाई में भी फिर अच्छा करते हैं। बच्चों को किस तरह का खेल यहाँ पर कराया जा रहा है, किस तरह का? किस तरह के मेनली एथलेटिक्स से संबंधित ज्यादा है हमारे यहाँ पे, जैसे कि आप देखेंगे हर तरह की रेस और जंप और जो भी हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार जो भी खेल हमारे आते हैं। वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।